ईरान में महिलाओं पर पाबंदियों की लंबी फहरिस्त मौजूद है, लेकिन पुरुषों को कई तरह की छूट दी गई है। इनमें से एक मुता विवाह यानी आनंद के लिए शादी भी है। मुता विवाह के मुताबिक महिलाएं एक निश्चित समय के लिए निश्चित रकम के बदले अस्थायी तौर पर किसी पुरुष की पत्नी बनती है। 1979 में इस्लामिक क्रांति के बाद जब नया शासन आया तो कई सेक्स वर्करों को फांसी दे दी गई थी। इस दौरान कई वेश्यालय भी बंद कर दिए गए। उस समय सेक्स के लिए महिलाओं के इस्तेमाल को वैधता देने के लिए ईरान में जावाज अलमुता या आनंद के लिए शादी का चलन बहुत बढ़ गया। बीबीसी पर छपी एक रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान यूनिवर्सिटी की छात्रा और पार्ट टाइम सेक्स वर्क करने वाली एक महिला ने बताया कि पुरुष जानते हैं कि ईरान में वेश्यावृत्ति गैर कानूनी है, इसमें लिप्त महिलाओं के लिए कड़े दंड का प्रावधान है। ऐसे में पुरुष इसे अपने फायदे के तौर पर इस्तेमाल करते हैं। महिला ने बताया, कई मौकों पर यह मेरे साथ भी हुआ। जब सेक्स करने के बाद भी लोगों ने पैसे नहीं दिए और मैं उनकी अधिकारियों से शिकायत भी नहीं कर सकती थी। ईरान की महिलाओं को हिजाब पहनना अनिवार्य है। यही कारण है कि इन दिनों ईरान में हिजाब के खिलाफ जबरदस्त रोष प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। हालांकि हम आपको बता दें कि ऐसे कई सारे कानून हैं जिन्हें जानने के बाद आप हैरान रह जाएंगे। ईरान में महिलाओं पर लगी पाबंदियों की फहरिस्त बेहद लंबी है। ईरानी कानून एक पिता को अपनी गोद ली हुई बेटी से शादी करने की अनुमति देता है। 2013 में इस प्रचलित प्रथा पर प्रतिबंध लगा दिया गया था, लेकिन बाद में धार्मिक प्रमुख या अभिभावक परिषद ने प्रतिबंध की निंदा की। अब अदालत से आदेश प्राप्त करने के बाद ऐसी शादियों की अनुमति है। ईरान में लड़कियों की शादी की न्यूनतम उम्र में कई बार बदलाव किया गया है। एक समय तो इसे घटाकर 9 साल तक कर दिया गया था। वर्तमान में ईरान में महिलाओं के लिए विवाह की कानूनी उम्र 13 और पुरुषों के लिए 15 है। एक ईरानी महिला परिवार के पुरुष मुखिया की अनुमति से केवल एक बार ही शादी कर सकती है। दूसरी ओर एक ईरानी पुरुष अधिकतम 4 महिलाओं से शादी कर सकता है। एक ईरानी महिला अपने पति को काजी या अदालत की मदद से तलाक दे सकती है अगर वह मानसिक रूप से अस्थिर है और पत्नी को पीटने में विश्वास करता है। हालांकि ईरानी पुरुषों के लिए कोई तीसरे पक्ष का हस्तक्षेप नहीं है। पुरुषों को सिर्फ बोलकर ही तलाक लेने की स्वतंत्रता है। ईरान में कानून के मुताबिक बुर्का या हिजाब पहनने वाली महिला को ढीले ढाले कपड़े पहनने चाहिए। उन्हें अपने शरीर को सिर से पैर तक ढकना चाहिए। अगर किसी महिला को नियमों का उल्लंघन करते हुए देखा जाता है तो पुलिस को उसे पीटने और 6 महीने तक की जेल की सजा के साथ साथ जुर्माना लगाने का अधिकार है। विदेश यात्रा के लिए ईरानी महिला को अपने पति से अनुमति लेनी पड़ती है। ईरान में महिलाएं सार्वजनिक रूप से डांस नहीं कर सकती। उन्हें केवल महिलाओं की उपस्थिति में ही तय स्थानों में नृत्य करने की अनुमति है। अगर कोई महिला देश में म्यूजिक एल्बम लॉन्च करना चाहती है तो उसे सरकार से विशेष अनुमति लेनी होगी।